कहा था कि हम बनाएंगे मास्टर चाओ ये रेड चिली वाला ऑयल डाल रहे हैं, एक चम्मच डाल दो, देख लो थोड़ा सा नमक डाल दो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज की मॉर्निंग में हमने देख लिया है सन। मैं आज उठ गई थी 6 बजे, इमेजिन 6 बजे उठ गई थी। और मैंने ना यहाँ पर सब कुछ क्लीन किया क्योंकि थोड़ा सा ऐसे गंदा गंदा सा हो गया था सब कुछ, मिट्टी मिट्टी हो गई थी पौधों की, तो मैंने यहाँ पर भी सब कुछ प्लांट्स वगैरह अपने क्लीन किए। और मैं दिखाती हूँ, मैंने बहुत आज काम किया सुबह से उठ के, बहुत ज़्यादा, तो दिखाती हूँ। देखो मैंने, चलो मैंने अभी बेडशीट नहीं बिछाई तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना, बट हाँ मैंने अपना रूम भी क्लीन कर लिया है। तो यस, मैंने अपना रूम भी क्लीन कर लिया था और बाहर की बालकनी भी क्लीन कर ली थी। और फिर मम्मी उठ गई थी तो फिर उन्होंने बाकी का घर क्लीन कर लिया, तो मतलब मैंने हेल्प करा दी आज थोड़ी सी। तो बाकी क्या, बाकी अभी देखते हैं, नहाएंगे धोएंगे तैयार होएंगे। बहुत गंदी लग रही हूँ मैं यार, चलो नहा के मिलते हैं। तो गाइस हम लोग नहा धो लिए थे और उसके बाद मैं ऐसे ही, मतलब आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी जैसे मैंने बताया था, लेकिन मेरे को नहाने जाने का इतना मन नहीं कर रहा था, तो मैं अपना ऐसे ही इंस्टा वगैरह स्क्रॉल कर रही थी। उसमें एक बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आ रहा था, जो आ रहा था वो मास्टर चाओ का, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आज हम बना के देखें और आपको इसका रिव्यू दें कि कैसा है ये मास्टर चाओ। तो हमने इसकी नूडल किट मंगाई है, मास्टर चाओ नूडल किट स्वीट एंड स्पाइसी, इंक्लूड्स नूडल एंड कुकिंग सॉस, ओके। और मेरे ख्याल से इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हैं यहाँ पर बनाने की कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके साथ मैंने YouTube पे भी देखा कि मैं और क्या इसमें इन्वॉल्व कर सकती हूँ, तो मैंने उसके बाद मंगाया ये चिली ऑयल। तो ये शेजवान चिली ऑयल है एंड देखते हैं ये कैसा होगा। तो एक ये मंगाया था और पेप्सी मंगाई थी। और एक और चीज़ मंगाई थी पर वो तो नहीं आई। ओ माय गॉड, देखती हूँ, तो मुझे लगा मैंने मंगाई है पर वो मैंने नहीं मंगाई, वो चाउमीन का कोई ऑयल था। तो अभी मैं इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ती हूँ और फिर जाके लेके आएंगे बाजार से थोड़ी सब्जियाँ और आज हम बनाएंगे घर पर ही नूडल्स। तो यस, चलो देखते हैं कि कैसे बनेगी और फिर हम आपको इसका रिव्यू भी दे देंगे कि क्या है इसका टेस्ट। तो मिलते हैं थोड़ी देर में फिर। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम बनाएंगे मास्टर चाओ नूडल्स, तो उसके लिए हमने अपनी वेजीज काट लिए हैं। तो हमने काट लिए अनियन, मिर्च, शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर। वैसे तो उसमें मशरूम्स और ब्रोकली वगैरह भी लिखा था लेकिन हम अभी बेसिक रख रहे हैं, तो मैंने ये सारी वेजिटेबल्स काट ली हैं। और चलो अब आगे का प्रोसीजर करते हैं स्टार्ट। कटिंग दिस नूडल पैक, और हमने ऑलरेडी 1 लीटर पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था, सो वी हैव डिसाइडेड कि हम पूरी नहीं बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे, हाफ बनाएंगे। तो अभी मम्मा इसमें डालेगी। हमने नूडल्स रख दी हैं बॉयल होने के लिए और ये वाले पैन में अभी हम अपनी वेजीज सॉटे करेंगे, तो चलो वेजीज को डालते हैं और उन्हें सॉटे करते हैं। नाम मात्र का हमने लिया है ऑयल और सबसे पहले हम डाल रहे हैं अनियन। वैसे तो वो सारी सब्जी इकट्ठे डाल देते हैं पर हम पहले अनियन डालेंगे, तो चलो डालो भाई। और हरी मिर्च, सब्जियां जा रही हैं अंदर। बिल्कुल धीमी कर देते हैं। कितना मजेदार कलर लग रहा है गाइस। यहाँ पे नूडल्स बॉईल हो रही हैं और यहाँ पर सब्जी, मतलब सारे हम सॉटे करने की सोच रहे, मतलब सोचे क्या, सॉटे ही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़ी हार्ड सब्जियाँ होती हैं तो ऐसे नहीं डालनी चाहिए, तो इसलिए हम प्याज और गाजर को थोड़ा सा गलने दे रहे हैं। तो अभी उसमें सिर्फ प्याज और गाजर है और यहाँ पे नूडल बॉईल हो रही है,
तो बस प्रोसेस में है गाइस। कुछ गड़बड़ हो जाए इसलिए हमने हाफ ही बनाई है अभी। देखो बहुत ही अमेजिंग लग रही है ना। तो भाई अब जा रही है बाकी की सब्जी अंदर। तो पहले जा रही है शिमला मिर्च, कलर देख लो बॉस। और अभी इसमें कोई मसाला नहीं पड़ा हुआ, हम कोई मसाला नहीं डाल रहे हैं, जस्ट वेजिटेबल। गाजर, प्याज, मिर्ची और शिमला मिर्च और अब बंद गोभी। कैबेज, तो भाई बिना कुछ करे ही सब्जियों की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना। और हमने डिसाइड किया कि हम हाफ नहीं बनाएंगे, हम जो पूरी बना ले रहे हैं एक ही बार में, तो इसलिए। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और ये सब बनाते हुए बहुत गर्मी लग रही है, पर सिर्फ आप लोगों के लिए हम लोग ये बना रहे हैं रेसिपी, क्योंकि हमने सोचा कि रिव्यू तो करना बनता है। इतना ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये मास्टर चाओ नूडल्स और बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी, तो यस बस अब नूडल्स जैसे ही बॉलेंगी हम इसमें डाल देंगे और फिर डाल देंगे मसाला, हो जाएगा काम, ईजी था, नाइस। तो भाई सॉटे हो गई हैं सब्जियाँ और नूडल्स भी हो गई है तैयार, अब हम डालेंगे नूडल्स को इसके अंदर। स्पाइसी वाला मसाला, तो ये हमारे पास दो है, तो ये दोनों डालेंगे हम इसके अंदर। निकलती है अलग अलग नहीं, नहीं। This is like a soya sauce, I guess. हमने मसाला भी डाल दिया है इसके अंदर। और कुछ स्पाइसेस से लग रहे हैं। So this is how it's looking, guys. Oh my god. दो रोटी कम कर। अब ये डालते हैं रेड चिली ऑयल एक बार, ज़्यादा मत डालना भाई। स्पाइसी तो हो गया। रेड चिली वाला ऑयल डाल रहे हैं, एक चम्मच डाल दो, देख लो ऑयल डाल रहा हूँ, ये मत डालना ही बहुत। क्यों तो मिला के डालेंगे ऑयल, थोड़ी डालते हैं। चलो ठीक है, जैसे आपको सही लगे। लग तो बढ़िया रही है, अब देखते हैं खाने में कैसी होगी। तो रेडी हो गई है, अब हम इसे बाउल में निकालते हैं और फिर मिलते हैं। चलो एंड आवर नूडल्स आर रेडी और अच्छे से बन गई काफी। अब देखते हैं खा के टेस्ट कैसा होगा और फिर खाने के बाद आपको बताते हैं टेस्ट। चलो जी, तो भाई हमने खा ली थी हमारी मास्टर चाओ की नूडल्स।
तो रिव्यू कुछ ऐसा है कि आपने देख तो लिया ही होगा सारा का सारा प्रोसेस कि हमने कैसे नूडल्स बनाई। तो पहले हमने वेजीज काटी, उसके बाद हमने नूडल्स बॉयल करी और फिर हमने उसमें जो उसकी सॉसेस थी वो डाली, फिर उसका जो एक एक्स्ट्रा ऑयल मंगाया था वो डाला। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके की तो प्राइस इसका है अबाउट 149 अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपीज। तो 150 रुपीस में मैंने जेप्टो से ये मंगाया था। तो इसके अंदर मुझे एक पूरा वो नूडल्स का बंच मिला जो आपने वो लंबा वाला देखा था वो, और उसके साथ में मुझे मिली उसके अंदर ही दो सॉसेस। सो वो सफिशिएंट थी, मतलब अगर आप जैसे बना रहे हो आपको और एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह अपने तरफ से नहीं डालना कुछ भी तो आप वो भी कर सकते हो। जो मैंने उसके अंदर वेजीज डाली थी तो कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज मतलब और अनियन, मिर्ची, ग्रीन चिलीज जो कहते हैं जिसे, तो जब मैंने वो सारा कैलकुलेट करा तो वो पड़ा अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपीस का ये मुझे सारा सामान, जबकि मेरी वेजीज पूरी गई भी नहीं उसमें से, भी बच गई हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल पानी वगैरह ही यूज हुआ और कुछ यूज नहीं हुआ। मैंने एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट और मंगाया था, इंग्रेडिएंट इन्हीं का था, मास्टर चाओ वालों का ही। तो उसके अंदर इनका एक ऑयल था जो कि चिली ऑयल जिसे कहते हैं, तो स्वीट अनियन चिली ऑयल करके था कुछ उनका, तो वो मैंने मंगाया था क्योंकि मुझे उसके रिव्यूज काफी अच्छे लग रहे थे। तो मैंने सोचा ओके चलो मंगा लेते हैं, एंड वो भी हमने डाली थी अपने नूडल्स पे। तो ये थी इसकी प्राइसिंग, और आपको जेप्टो से मिल जाएगा, आपको इनकी साइट पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। मेरे दिमाग में जस्ट रैंडमली मैं अपना इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे जाके भी प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो फॉलो कर लेना। तो मैं स्क्रॉल कर रही थी, वहाँ पे इतना एडवर्टाइजमेंट आ रहा था इसका, तो मैंने बोला चलो गिव इट अ ट्राई। और वहाँ पर तो काफ़ी महंगा दिखा रहे थे, बहुत बड़े बड़े बंडल्स भी आते हैं, अगर आपको इकट्ठा भी मंगाना है तो आप वो भी कर सकते हो। पर मैंने छोटा पैकेट ही मंगाया था पहले, ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा आई गेस जो मैंने मंगाया था। तो ये सारा मुझे प्राइसिंग का पड़ा। नाउ द टेस्ट, तो टेस्ट मैं इसे रेटिंग दूंगी 10 में से 8, सो आई विल गिव अ रेटिंग 8 out of 10। क्योंकि 10 मैं पूरे इसलिए दूंगी क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती हूँ, तो वरना तो मैं 10 on 10 दे रही थी क्योंकि काफ़ी अच्छी बनी थी यार, एकदम बाहर जैसी आपको नूडल्स मिलेंगी अगर आप इसे बनाओगे अच्छे तरीके से। तो कुछ बनाने के ऊपर भी डिपेंड करता है आपके, देखो कि आप वेजीज कैसे आप सॉटे कर रहे हो, उसके बाद आप नूडल्स, जब आप नूडल्स बनाते हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसमें थोड़ा ऑयल डाल देना बॉयल करते हुए, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देना, नमक के पानी में उसे बॉयल करना ताकि उसके अंदर नूडल्स के अंदर थोड़ा नमक आ जाए। वेजीज में ऐसे आपको नमक डालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो सॉसेज ही अपना काम कर लेती हैं। तो सॉसेज काफ़ी अमेजिंग थी, उसका ऑयल भी काफ़ी स्पाइसी और काफ़ी चिलिंग था। तो हाँ, जिन्हें अगर स्पाइसी खाने का शौक है तो उनके लिए तो बिग थम्स अप, पर मुझे इतना शौक नहीं है, मुझे तो स्पाइसी नहीं अच्छा लगता ज़्यादा, मैं कम ही खाती हूँ, तो वरना मुझे थोड़े से दाने वाने भी आ जाते हैं और आ भी गए हैं यहाँ पर। पर चलो रात रात में तो वो ठीक हो जाएंगे, बट हाँ टेस्ट वाइज इट वॉज सुपर, मतलब मज़ा आ गया खा के, बहुत 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 अच्छा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा होगा, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा था। तो येस, दिस वॉज इट एंड दिस वॉज my review for this master chow noodles, and I hope you guys like it. So agar aapko meri aaj ki ye review wali video pasand aayi ho to please ise like kar dena, mere channel par agar naye ho to subscribe kar dena, aur uske sath mein jo bell icon hai use hit kar dena taki agli videos ke liye notification aati rahe, and tab tak ke liye thank you so much for watching guys, good night, I love you all, bye.